डालो मट्टी। अब मैं काय को दिमाग खराब कर रहा था, मैं भी खा रहा हूँ। अब इस पर बोतल में तुम्हें नमक ला के दू, अब बड़ी मुश्किल से मैं खाना लेता हूँ। अब जो बना रखा मुझे, और क्या मेरी मम्मी बैठी है वो ला के देगी। तुम्हारी मम्मी कहाँ, तुम्हारी मम्मी होती तो तुम कहते कहाँ बनते। हल्का सा पानी तो ला दो मेरे। अबे मेरा दिमाग खराब कर रहा था, सरकार तुमने मैं तनखा देता नहीं है, पानी भी मुझसे मंगवा दो, मैं पत्थर मार मेरे पत्थर मारेगा, मैं तेरी पेशी में गोली निकाल दूंगा। तो महाराज गोली निकाल दो, हम तो जब पिए थे आ रहे हूँ तो मैं तेरे को भी देखता हूँ। सरदार जी ये क्या कर रहे हो? सरकार गलती हो गई मुझसे, सरकार आगे से ऐसा नहीं करूंगा। सरकार आपसे प्रेम पकड़ता हूँ, अरे आप आगे से नहीं मानते। चल ठीक है, कुछ भी कर ले, माफ किया मैंने। चलिए सरदार, किसी का हम में कोई शिकार करते हैं, चलो। अरे कुछ तो नहीं मांगने वाला ही। ओ भाई जल्दी चलो, हमारे सरदार को एक शराबी मार रहा है। ओ भाई प्लीज जल्दी चलो, आ जाओ आ जाओ, जल्दी चलो यार, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे वो शराबी जिसने आपको मारा है। मेरे को शराबी क्या मारेगा, मैं शराबी को मार के आया हूँ हाथों से, इस बाजू से। मैंने 3-4 दिन से रोटी नहीं खाई है, मेरे को तामान देख के चक्कर आ गया। चलो ऐसा करो, मुकेश जी को मेरे कैबिन में भेज। यस सर। मुकेश नायक रिपोर्टिंग सर। रिपोर्टिंग मुकेश जी। जी सर। मेरे को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी सर। ये बात है लुक्का सिंह की, जो नोकी अकेडमी में बहुत ज्यादा आतंक फैला रखा है। मैंने सुना है बहुत ज्यादा आतंक फैला रखा है, पूरी भिवाड़ी जिला पूरा उनकी वजह से परेशान है। तो मैंने आपका भी बहुत ज्यादा नाम सुना है, आपकी अच्छी अच्छी जगह के जागरूक मार रहे हैं। तो आपकी ना दिल्ली से व्यवहारी है ना, इसीलिए ही हमने ट्रांसफर करवाया है कि लुक्का सिंह को आप मार सको। आपको नुआ घाटी का पूरा जगह बताएगा, क्योंकि उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। ओके सर। ठीक है, अगली बात सुनो, ये हमारे देश के लिए है और हमारी बुहारी जिले को बचाने आए हैं। तो ये नुआ घाटी के सारे लोगों को, मतलब आप समझ जाओ कि ना इनकी आपको मदद करनी है। नुआ घाटी में जाके लुक्का को आपको उनको बता रहे कि वो कहाँ है। ठीक है ठीक है, तो आप है ना ऐसे कीजिए, आप इनको लेके जाइए।
मुकेश नायक रिपोर्टिंग सर। अच्छा मुकेश जी आ गए आप? जी सर। बैठो। आपका बहुत नाम सुना हमने। जी सर। इधर चंबल की घाटी में आपने पूरे डकैतों को भगा दिया, इधर बाड़मेर में भगा दिया आपने। जी सर। इसलिए आपकी पोस्टिंग यहाँ पे करवाई है। जी सर। इधर नू की घाटी में हमारे लुक्का सिंह डाकू है, उसने बहुत आतंक मचा रखा इधर भिवाड़ी शहर में, पूरों को लूट ले जाता। उससे मेरी मुठभेड़ कई बार हो चुकी है सर। कई बार उसको मैंने खदेड़ के भगा चुका हूँ उसको। उससे लड़ाई करते करते ये कुछ ही हथियार बचे हैं हमारे पास में। हथियार के भी दो वर्ष भी करना है। ओके सर। और इसके अंदर पूरी डिटेल है उसकी। जी हाँ। इसको संभालो आप। जी सर। और जब भी ढूंढने जाते हैं दूर की घाटी में उसको, जी हाँ, जान कौन सी गुफा में घुस जाता है, हमको मिलता ही नहीं है वो। अच्छा। कोई बात नहीं, किसी बात टेंशन मत करो, हमारे पूरे देश की इज्जत का सवाल है सर जी। हाँ तो सर इसीलिए आपको बुलाया, तो ये जुम्मा आपके हाथों है। जी सर। तो आप संभालो इसको और फिर दो चार पाँच दस दिन में लुक्का सिंह को खत्म करना। जी सर, मैं कल ही इसकी डिटेल बताऊंगा आपको, ठीक है ना? इसको पढ़ के आपको बताऊंगा, कल मिलता हूँ आपसे मैं। चलो ठीक है। ओके सर। भेज दिया मेजर साहब ने, तो बंदा ना बंदे की जात कोई नजर नहीं आ रहा, सारा सुनसान पड़ा हुआ है इधर। पता नहीं अंदर जाके पता करना पड़ेगा। Ready, ready, ready.
फौजी साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी लड़की बैठी थी ना यहाँ पर। यहाँ आपको जंगलों में लड़की कहाँ से दिख गई? अभी तो लड़की बैठी थी। यहाँ कोई लड़की नहीं है, कई सालों से यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है। मैं तो लुक्का सिंह को पता ढूंढने के लिए आया था यहाँ पर। लुक्का सिंह यहाँ पर कहाँ मिलेगा? वो तो नूह के खंडरों में मिलेगा। पक्का पता है तेरे को? हाँ ठीक है, वहीं चलता हूँ। लुक्का भाई आपको कोई फौजी ढूंढने आए? फौजी हमको ढूंढने आया है, खुद मरने आया है। सर अरे मुकेश जी। जी सर। और अपनी लोकेशन की टिकट? जी सारी फाइल पर चुका हूँ सर मैं, इसकी लोकेशन की। इसमें साले ने बहुत आतंक मचा रखा है इसने। चलो बढ़िया, तो ये हथियार काम है? जी सर। हथियार की हथियार लेकर चल जाओ आप दिल्ली। जी हाँ। और सूरज सिंह को ले जाओ साथ में। ओके सर। मुझे सरदार की सेवा करनी पड़ेगी हमें। हम गरीब आदमी है साहब, साहब साहब गलती माफ कर दो साहब। शराबी नहीं हूँ साहब, पहले सुन, मैं शराबी नहीं हूँ साहब, मैं आईपीएस ऑफिसर साहब नायक हूँ साहब। सॉरी साहब, मैंने पैसा भी ला लिया। डाकुओं का यही हाल होना चाहिए साहब, गलती माफ कर दो साहब। मैंने पैसों के लालच में जो कुछ किया वो मैंने गलत किया साहब, मुझे अपनी शरण ले लो। ले साहब ये भी ले लो। आगे का भरोसा तू नहीं करेगा? नहीं सर, मैं हिंदुस्तान में रहने वाला हूँ और मैं हिंदुस्तान में रहूंगा और मुझे भारत माँ की सेवा करनी है सर, मुझे अपनी शरण में ले दे प्लीज सर, प्लीज सर मुझे मत मारे सर, मैं आइंदा ऐसा कर्म नहीं करूँगा सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज मुझे माफ कर दो। चल ठीक है, खड़ा हो, मुझे माफ। चल 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 ठीक है, चल चलते खड़ा हो, मुझे माफ कर दीजिए। चल 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 सर, मुझे माफ कर दीजिए। चल कोई बात नहीं, तुझे मारेंगे नहीं, पर तू हमें लुक्का सिंह के बारे में सब कुछ बताएगा। हाँ सर बताऊंगा, सारी कुछ बताऊंगा। और दूसरी बात, अभी हम फौजी साहब के पास जा रहे हैं, तू ये नहीं बोलेगा मैं तुझे पकड़ के लाया हूँ? ठीक है, अंडर कवर पुलिस ऑफिसर हूँ। ठीक है सर, नहीं बोलूंगा सर, नहीं बोलूंगा सर। चल चल सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। चल ठीक है सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। चल, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम साहब बांडिया है। ठीक है बांडिया, बांडिया देख मैं तुझे सुधरने का एक मौका देता हूँ। जी साहब। तुझे दो काम करने, मैं अभी फौजी साहब को ऊपर भेजता हूँ। ठीक है ठीक है, तुझे ये नहीं बताना कि मैंने मारा है। जो तूने मेरे आगे करी है गुजारिश वही फौजी साहब के आगे करी है, फौजी साहब बहुत अच्छे आदमी है, तुझे मौका जरूर देंगे। ठीक है, केस के काम आना है
तो ये आखिरी मौका है साहब। मैं जेल की सेवा करूंगा साहब, मैं किसी कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तुझे यही छोड़ रहा हूँ, मैं फौजी को भेज रहा हूँ। कोई गलती देख, इस बार तो छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। साहब मुझे माफ कर दो, जो हो गया हो गया। अभी ठीक है पांडिया, मैं फौजी साहब को भेज रहा हूँ, तू वहाँ जाके छुप जा। ठीक है ठीक है, बताना नहीं है। ठीक है साहब, जा। सूरज जी देखने कौन पड़ा है, जिंदा साला मर गया हमारा वो सर, लगता है अभी काफी टाइम हो चुका है इसमें। चलो इसके साथ ही देखो, इधर ही उधर गई चुके होंगे। ठीक है सर, चलो। खोल ले, खोल ले, तू पता खोल ले, खोलो सर। मैं लुक्का सिंह, सर मुझे माफ कर दो सर, मैं लुक्का सिंह का आदमी था सर, मुझे माफ कर दो प्लीज सर, सर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। छोड़ दो सूरज, मुझे माफ कर दो सर, सर मैं पैसों के लाले में तुझे माफ कर सकता हूँ। लुक्का सिंह का पता चाहिए मेरे को सर, मैं लुक्का सिंह का भी पता बताऊंगा, लेकिन मैं लुक्का सिंह के संग मिला था, मुझे पैसों के लालच में मिला था सर। सर आइंदा मैं काम क्यों करते हो सर, मैं लुक्का सिंह का पता पूरा बताऊंगा, लेकिन आप मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं अपने भारत की सेवा करना चाहता हूँ, प्लीज सर मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा सर, मैं नहीं करूंगा सर, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तुम्हारा एक साथी है उसको किसने मारा सर? मुझे पता नहीं, लुक्का सिंह ने मारा होगा, मुझे पता नहीं, या फौजियों, मुझे कुछ पता नहीं सर, मैं आइंदा पीछे ऐसा कर्म नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हमारा साथ रहेगा, हमारा साथ देना होगा तेरे को लुक्का सिंह। सर मैं इस पे विश्वास ना करो, गद्दार है सर, मैं गद्दार नहीं हूँ सर, मैंने पैसों के लालच में जो काम किया था, आइंदा पीछे नहीं करूंगा सर, मैं प्लीज सर, सर मुझे प्लीज सर, मुझे अपनी शरण में ले लो सर, मुझे माफ कर दो। सुरेश सिंह सही बोल रहा है। ठीक है सूर्य सिंह, इसको जाने दो, लगता है सच बोल रहा है। जाओ साथियों, गांव को लूट के लाओ। जी सरदार। सरदार मुझे बेटने, इनके साथ में है, जाओ पांडिया। ठीक है सरदार, मैं भी जाता हूँ। गए लूटने के लिए गांव को। बांडिया क्या हुआ? अरे चुप चुप यार, रुको यार भाई, मुझे लग रहा है यहाँ कोई फौजियों का कैंप लगा हुआ है, आराम से शांति से देखते हैं। चलो अरे भाइयों, मुझे लग रहा है ये कोई फौजियों का कैंप है, और इधर देखो कोई फौजी वर्जिश कर रहा है, चलो भागते हैं यहाँ से और सरदार को बताते हैं। चलो कर्नल साहब, आप रोज 200 टंट बैठक लगाते हो, किस लिए? आपका तो शरीर भी सही है। एक लुक्का सिंह डाकू है, उसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, किसी दिन मेरे अंटे में आ गया ना तो उसको मच्छर की तरह मसल दूंगा। ये बात है सर। हाँ सरदार सच क्या बताऊं, पहाड़ियों में फौजियों का कैंप लग चुका है और वो हम सब की तलाश में घूम रहे हैं, और आपके पास भी इतना बारूद हो तो चलो उनसे भिड़ते हैं चल के। ये फौजी देखे बाड़िया आपने? सरदार दोस्त है फिर भी आ गए। क्या लुक्का सिंह की पूरी इज्जत मट्टी में मिला दी।
सोच के आए हो? क्या लुक्का सिंह तुम्हारे लिए इनाम देगा? सरदार इनाम की बात नहीं है, सरदार आप तो गोला बारूद मंगवाइए और चलिए उन फौजियों से मुकाबला करते हैं। चलो मैं चलता हूँ। चलो सरदार। कैप्टन बम फेंको। और साथी कहाँ तेरा? फौजी बिंदुक से क्या लड़ता है, हिम्मत है तो बाजुए से लड़के दिखा। इतनी औकात? हाँ हाँ ले लो। तो हेलो मुकेश जी, लुक्का सिंह ने अपने टेंट पे हमला कर दिया है। अच्छा, इतनी तगड़ी हिम्मत लुक्का सिंह की? आप जल्दी आ जाओ। ओके सर, ओके। तो घंटे में पहुंचता हूं मैं, दिल्ली से भवाड़ी को घंटे में पहुंचाऊंगा मैं। सर जी क्या हो सर, क्या हुआ सर जी, क्या हुआ? लगता सूरज खत्म हो गया अपना। सर साले लुक्का सिंह, साले नहीं छोड़ूंगा, कहां छुपा तुम? सरदार हमने फौजियों को मारा है, चलो जश्न मनाते हैं। Yeah!
अरे सरदार जी, कल तो मजे आ गया था, शराब भी थी और सवाब भी था। इसको छोड़ो और ये सोचो, लोग की घाटी में फौजी हमें मारने आया है। फौजी पर मत लो, फौजी को हम दोनों संभाल लेंगे। ठीक है जाओ। तेरे बस की बात नहीं है, बंदूक चलाना तेरे बस की बात नहीं है। चेला बन के रहेगा, चेला बन के रहे। सरदार मैं कब तक चेला बन के रहूंगा आपका? सरदार मैं बूढ़ा हो गया, मैं कब तक चेला बनूंगा आपका? मुझे भी कोई मौका दीजिए, मैं एक मिनट में फौजी को खत्म कर दूंगा। भगवान बनकर। अरे यार एक बार बता। हाँ बोल। बात फौजी को मार चलाएंगे कैसे? फौजी हमसे ज्यादा ताकतवर निकलेगा, इसको देखते ही आ जाएंगे। सरदार को देख घंटे का पता चलेगा। सरदार को एक नंबर का चूतिया है। सही कह रहा है। तुम फौजी को ढूंढ आयो, लेकिन सरदार ने मुझे हल्का समझ रखा है। अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, फौजी को पकड़ने आ गए यहाँ पे। अरे मेरे को सरदार इजाजत नहीं देता है, मैं फौजी को पकड़ दूँ? क्या समझते हैं मेरे को? पता नहीं क्या मुझे तुम सरदार के बारे में क्या क्या कहते हो। सरदार ठीक है, सरदार को घंटे का पता नहीं है। अरे मैं बताऊंगा सारी चुगली तुम्हारी उसको बताऊंगा। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तीनों भाई ढूंढेंगे। I'm not afraid.
साथ ले जाएंगे तुझे, चलो रे पकड़ो इसको लेके चलो। काम से उठा रहा है इसको सरदार, ये फौजी की महबूबा पकड़ के लाया हूँ आज, जो मुझे निकम्मा कहते थे आप। इसकी चश्मा तो हटाओ तो सरदार। खुश आप हो रे, पकड़ के हम लाए जंगलों में हम डोल रहे, आप खुश हो रहे, क्या बात है सरदार जी। जिसको आप निकम्मा समझते थे वो आपका वफादार निकल गया। बानिया चाहे इसको खंडर में ले जाए महो वाले में। आप मुझे यहाँ भेज देते हो हर जगह, कौन से खंडर में लेके जाऊँ, अंदर वाले में लेके जाऊँ या बाहर वाले में? मुझे कहाँ ले जा रहे हो खंडरों में? मेरा फौजी आएगा घंटा फौजी आएगा, धरती चीर के आएगा या आसमान से निकल के आएगा, चल खंडरों में। सर अर्जुन नायक फ्रॉम दिल्ली। यस सर। स्पेशल एनकाउंटर। यस सर। सरदार हम पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या मुसीबत आ गई है घमंडी? हमको फौजी मारने की प्लान में है। घमंडी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आने दो फौजियों को, मैं देख लूंगा लुक्का सिंह है। कम ऑन रुको, एक रुक सा, पहले गेट मत लो कोई भी। वेट ये जी, एक काम करो, हम एक टीम ही, हम दो टीम बनाते हैं, एक टीम बनाने में खतरा है। आप टीम को लेके ऊपर जाओ, कोई
मेरी बात मेरी बात सुनो जी सर बोलिए डाकू बहुत ज्यादा है जी हाँ सबसे पहले गोली से पहले ये सर हम गोली मारी करेंगे जी हाँ हम एक काम करते हैं हम बम फेंकते हैं ओके सर आप भागने तो इधर भीतर हो जाएंगे लेकिन इसको आराम से मार सकते हैं ओके सर ठीक चलो बम की तैयारी करते हैं ओके सर हम आए वहीं से सतर्क बम भागे भागे डाकू बम निकालो मुकेश जी बम निकालो आराम से फेंक दे बम ये होगा मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे सोना मेरा मानी सोना
जीने का बहाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं, बिन तेरे धूल मिट्टी खाक ये जमाना नहीं। जीने का बहाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं, बिन तेरे धूल मिट्टी खाक ये जमाना नहीं। देती हूँ तुझे तेरी मैं बलाए सुबह शाम, लेती हूँ देती हूँ दुआएं तुझे तेरी मैं बलाए सुबह शाम, लेती हूँ रब से ज्यादा तेरा नाम लेती हूँ, रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे, रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी सोनी से तेरा पैगाम लेता हूँ, मस्त हवाओं से तेरा पैगाम लेता हूँ, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे, रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी सोनी मेरा माही सोना, कर जाऊंगी मैं कुछ कर जाऊंगी मैं, तुझे से बिछड़ने से पहले मर जाऊंगी मैं।
कल हमारे साथ में हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, जो कि हमारे तीन साथी भी मारे गए और हमारा असला बारूद भी बहुत खत्म हो चुका है और हमें कोई असला बारूद की या फौजियों की कोई गाड़ी लूटनी चाहिए और तब हम फौजियों से मुकाबला करेंगे। ये बताओ जहाँ जाते हैं जहाँ शराबी मिलता है ये अपने पीछे क्यों लगा है, मेरे समझ नहीं आती है। सरदार, जिसको आप शराबी समझते हो ना वो शराबी नहीं है। और क्या है? अरे सरदार, वो तो फौजियों के साथ मिला हुआ है और मैंने सुना है कि वो तो एक बहुत बड़ा आईपीए ऑफिसर है। सरदार आने दो, लुक्का सिंह डरता नहीं है किसी से, आने दो। अपने तीन साथी चेले मारे थे, मैं नहीं मरा हूं, मैं तो जिंदा हूँ। आने दो फौजी को, नोक की घाटी में अपना राज है, मैं देख लूंगा फौजियों को। पांडिया सावधानी से रहना, बारूद की चिंता नहीं करना। सरदार आप घबराओ मत पांडिया, बारूद की टेंशन मत लो, फौजियों की गाड़ी लूट लेंगे और बारूद रखा है। मुकेश जी, लुक्का सिंह बहुत तगड़ा डाकू है, ऐसे हाथ में नहीं आएगा ये, हमको चारों तरफ से घेरा डालना पड़ेगा। आप इधर जाओ। ओके सर। अपनी अपनी ध्यान रखना सब। ओके सर। ओके सरदार। सरदार कवरीलाल, क्या खबर लेके आए हो? सरदार आए हैं आपको ढूंढने के लिए। मच्छर खा रहे सरदार, जब देखता हूँ जब बेटा देखता हूँ। सरदार मच्छर बहुत हो गए यहाँ पे, मैं तो खा सरदार क्या करना बताओ। चलो साठ से हो जाओ, अपनी अपनी जगह से लग जाओ। चलो आ रहा है, फौजी को खुदों की तरह भगा भगा के मारना है। ठीक है सरदार, चलो कबरीलाल ऊपर चल जाओ। फौजी, लुक्का सिंह डरने वाला नहीं है, शेर तो शेर ही रहेगा, तेरे को पता है, लेकिन लुक्का सिंह का मुकाबला नहीं कर सकता है फौजी। फौजी वर्दी का क्या है, वर्दी तो किराए पे भी मिल सकती है। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, काटने वाले कभी भौंकते हैं। लुक्का सिंह भीगी हुई सिगरेट कभी जलेगी नहीं, ये तय है कि लुक्का सिंह मेरा हाथ तो इमोश कभी चलेगी नहीं। फौजी तेरे को क्या लग रहा है, लुक्का सिंह को डरा रहा है? लुक्का सिंह डरने वाला नहीं है, आमने सामने करके चला गोली। आजा फौजी आजा। जी आप एक काम करो। जी बोलिए सर। आप खाली सिर्फ लुक्का सिंह को टारगेट करो। ओके सर। ओके ओके।
डाकू चल अपने दोनों हाथ ऊपर कर। फौजी गन से क्या लड़ते हो, दम है तो बिना गन के लड़ो। चल तेरी ये भी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, आ जा। डाकू नहीं छोड़ूंगा तुझे। जी अब नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। जी हलने का नहीं। गोली मचाई हो डाकू वरना जान से आ जाएगा। लुक्का सिंह बाहर निकल, लगता है साला कहीं चूहा बन के कहीं बिल में छुप गया है। पता नहीं साला लुक्का सिंह कहां छुपा है। लुक्का सिंह बाहर निकल। ओ जी बंदूक चेक। लुक्का सिंह के हाथ से लिखिए, चल नीचे चल। लुक्का सिंह गोली चलाने का खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है चचों का। ओ जी आज ही इस पानी में तुझे शहीद करूंगा। ओ जी थोड़ा आगे तो जा, हाथ ऊपर कर। जी नहीं छोड़ूंगा। इधर इधर बहुत आतंक बच्चा रखा तूने नूगी घाटी में। कमान कमान ये ले। जी लुक्का सिंह डाकू मरने वाला नहीं है तेरे से। हेलो लुक्का सिंह आ रहा हूँ, हल्के में ले रहा है। Yeah.
जाऊंगा इसी पानी में। भोग लुक्का सिंह भोग भोग सारे कुत्ते। ओ जी लुक्का सिंह डाकू मरने वाला नहीं है।